जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। जंगल की ये खामोशी ठीक नहीं लग रही। उन पक्षियों को देखो, काफी डरे हुए लग रहे हैं। और ये महक मुझे तो उस खूंखार काले तेंदुए की लग रही है। काला वापस आ गया, यानी कि मोगली के लिए नया खतरा आ गया है। उस मगरमच्छ ने पूरी कोशिश की, पर बघीरा ने हार नहीं मानी। उसके पैने दांतों से बचता रहा और घंटों तक उसे उलझाए रखा, और देखते ही देखते मेरे दोस्त ने वंगुंगा नदी के सबसे बड़े मगरमच्छ को आखिरकार मात दे ही दी। वो बघीरा तो कमाल का शिकारी है। कमाल का फेंकू कहो फेंकू, एक मरियल तेंदुआ मगरमच्छ को कैसे हरा सकता है? हा? बघीरा कोई मरियल तेंदुआ नहीं है टबाकी, वो सबसे जाबाज, सबसे ताकतवर और सबसे क्या? तुमने उस पर भरोसा किया? कितने भोले हो तुम। तुम्हें यकीन नहीं, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। बाला, इस चुगलखोर को यही बैठाना, मैं अभी बघीरा को लेकर आता हूँ। वो खुद इसे बताएगा उसमें कितना दम है। हाँ हाँ, आराम से आना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखूं तो कितना दम है उस चूजे बघीरा में। पहले हमें पक्का करना होगा क्या वाकई काला ही आया है। बघीरा, 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 तुम्हें जल्दी मेरे साथ नदी के पास चलना होगा, वो टबाकी। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। ये बघीरा को अचानक क्या हो गया? वो ऐसे क्यों गया? मुझे भी बताओ क्या बात है। ओह, बघीरा को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही तो है। हाँ, नदी के पास टबाकी ने क्या किया? तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अगर तुम दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं अपने आप ही पता लगा लूंगा। इतने बड़े नहीं हुए। छोड़ो मुझे, जाने दो। पहले देखते हैं वो टबाकी क्या गुल खिला रहा है। मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकता हूँ। बलू, बलू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ बलू? मार के पूछ रहे हो क्या हुआ? देखा जिद का क्या नतीजा होता है। जिद तुम कर रहे थे। बहस मत करो, अब मुझे कुछ मोरिंगा की पत्तियां ला कर दो ताकि मेरा दर्द कम हो, वहाँ उन झाड़ियों में होंगी। ले आओ, जाओ जल्दी। अभी लाया। बोलो। वो काला ही है, मैंने भेड़ियों की गुफा के पास उसके निशान देखे, उसके आगे के पंजे पर वो निशान मैं कभी नहीं भूल सकता। इंसानों को खाने वाला खतरनाक काला तेंदुआ वापस आ गया है। मोगली को खाने? वो भी बदले की आग के साथ। याद है वो मोगली को खाने वाला था 10 साल नहीं 11 साल पहले। उसने कसम खाई थी वो वापस जरूर आएगा। शायद वो वक्त आ गया है। मोगली को कुछ मत बताना, वो बेवजह परेशान होगा। तुम मोगली को अपनी नजरों के सामने ही रखना, मैं जल्दी उस काला को जंगल से बाहर खदेड़ता हूँ। मोगली, तुम्हें वो पत्तियां मिली कि नहीं? मोगली, मोगली कहां गए तुम? अरे नहीं, मोगली कहाँ रह गए थे? बघीरा कहाँ है? वही तो,
कहाँ गया तुम्हारा खतरनाक तेंदुआ? लगता है डर के दुबक गया। फिलहाल वो किसी बड़े मामले को सुलझाने में लगा हुआ है। तुम्हें बता दूं, हम गीदड़ों में भी दिमाग बड़ा तेज होता है। अगर कभी उसका मुझसे सामना होगा तो मैं उसे ऐसे और फिर ऐसे चकमा दूंगा और फिर घूम के आऊंगा। बहुत अच्छे। बहुत बोलते हो तुम गीदड़। मैंने तुम्हारे मुंह को बंद करने का इलाज ढूंढ लिया है। ये सही किया मोगली। चलो बाला, हमें एक दूसरे खास काम को अंजाम देना है। अच्छा, कैसा काम? बघीरा, मोगली कहीं नजर नहीं आ रहा और काला भी। काला कुछ ही देर पहले यहाँ आया था। ये निशान ज्यादा पुराने नहीं है। ओ, हमें मोगली को ढूंढना होगा इससे पहले कि काला। हम भेड़ियों की गुफा जाते हैं क्योंकि बघीरा ने काला के निशान वही देखे थे। फिर जब तक वो हमारे हाथ नहीं लगता, हम पूरा जंगल छान मारेंगे। ठीक है दोस्त? हाँ, पर कैसे? ऐसे और कैसे। कितना आसान है ना? जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। आज के बाद इस जंगल में लौट कर मत आना, अगली बार जिंदा नहीं जा पाओगे। बहुत अच्छे बघीरा, तुम बड़े बहादुर हो। क्या पिटाई की काला की। उस टबाकी को भी मैं यही कह रहा था। एक काम करोगे बघीरा, क्यों ना एक बार उस टबाकी को भी। बघीरा आ ही गए, टाइम मिल गया। मैंने सुना तुमने मगरमच्छ को हराया, ठीक से देखा था कहीं छिपकली तो नहीं थी। अच्छा बाबा, मगर मची था। बघीरा मार लिया था, अब तो पीछा छोड़ो। अकलमंद गीदड़ डर के भाग रहा है। उसके साथ यही होना था। बलू,
ये तुम्हारी चोट के लिए। आखिर तुमने मेरा झूठ पकड़ ही लिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम मुझे काला के बारे में बता सकते थे। हाँ, हमारे पास एक खुफिया हथियार था। हाँ, मैंने आज ही बनाया। पर इसने ठीक से काम नहीं किया है ना? वो क्या है, उसने अचानक हमला कर दिया था ना। पर अगली बार कोई सामने आएगा तो उसे मेरा अच्छा खासा जवाब मिलेगा। ये है जादू, ये ही।